सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी के सभी लोग। और आज हम कहने वाले हैं सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी F23 5G फ़ोन। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ऊपर भी गैलेक्सी F23 5G फ़ोन लिखा हुआ है, बॉक्स के नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग है, बॉक्स के साइड में भी गैलेक्सी F23 5G लिखा हुआ है दोनों साइड में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और बॉक्स कंटेंट के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। बॉक्स को मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइस देखने को मिलेगा। इसके साथ में कुछ गाइड्स वगैरह देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई चार्जर का क्या हुआ, तो यहाँ पर आपको चार्जर नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ टाइप सी केबल देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये फ़ोन परचेस करते हैं तो इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि यहाँ पर आपको चार्जर अलग से परचेस करना पड़ेगा, बट यहाँ पर ये जो है 25 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करेगा। उसी के साथ में यहाँ पर चिन जो दी गई है इस फ़ोन की, काफ़ी बड़ी चिन दी गई है, ये भी इसका एक माइनस पॉइंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार भाई आप अच्छी चीज़ें गिनाते हो, यहाँ पर माइनस पॉइंट क्यों गिना रहे हो। तो मैं कोई भी वीडियो यानी कि कोई भी जो फ़ोन मुझे मिलते हैं, ये कोई स्पॉन्सर नहीं होते जो मैं इनके बारे में झूठ बोलूँ, मैं यहाँ पर सब कुछ आपको हकीकत में बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से इसके डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। तो 6.6 इंच का फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो तीसरा माइनस पॉइंट भी आपके सामने आ गया कि यहाँ पर आपको TFT डिस्प्ले मिलने वाली है। अंडर 20K का फ़ोन है और 20K समथिंग इसकी प्राइस होने वाली है और हमें TFT डिस्प्ले मिल रहा है, यानी कि सैमसंग वालों ने हमें काफ़ी बुद्धू यहाँ पर समझ लिया है। तो यार दोस्तों क्या ही बोलूँ इन लोगों के बारे में आपको, कि काफ़ी मतलब पब्लिक को जो है बेवकूफ़ी समझने वाले हैं। चलो ठीक है, जो भी है। अब आप यहाँ पर इसके बैग की बात कर लेते हैं, तो बैग लोग आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा, जो कि प्लास्टिक का बैग आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो है आपको 50 मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा दिया जाएगा, उसी के साथ में यहाँ पर 5000 mAh वाली बैटरी है और यहाँ पर हमें मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 750G 5G वाला प्रोसेसर। तो यार दोस्तों यहाँ पर हमें दो कलर मिलेंगे, एक होगा एक्वा ग्रीन कलर और दूसरा होगा फॉरेस्ट ब्लू। तो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। अगर यहाँ पर आपको इस फ़ोन को ख़रीदना है तो अलग से चार्जर लेना पड़ेगा। TFT डिस्प्ले है, अंडर 20K वाला ये फ़ोन है, मेरे हिसाब से तो ना ही ख़रीदे तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, बट मेरा काम है वीडियो बनाकर आप लोगों को सजेस्ट करना, सो मैंने यहाँ पर कर दिया। सभी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ। अगर कुछ बताने के लिए रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। और यार दोस्तों यहाँ पर इतनी मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ, तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो ने अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।